हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आज का जो मेरा व्लॉग है, मतलब कल दिवाली है और आज ये दिवाली की तैयारियाँ, उसका व्लॉग मैं बना रही हूँ। हम दिवाली की तैयारी कैसे करते हैं, तो गर्ल्स जो होती है वो तैयारी ऐसे ही करती है कि मैं ये डिसाइड करूँ, कपड़े डिसाइड करूँ अपने, ताकि मैं सब मैचिंग पहनूँ। लेकिन मैंने ये ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड कर लिया। हम लोग घर में क्या तैयारियाँ करते हैं वो आपको दिखाऊँगी गाइस। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ हमारी फर्स्ट तैयारी क्या होती है। सबसे पहले जो गाइस हमारी तैयारियाँ है वो है, हम शीट चारेंगे गाइस। तो हमारी फुल तैयारियाँ स्टार्ट है। अभी मैंने गद्दे की है, चादर भी चाल दी और अभी शीट्स निकालते हैं। ये है मेरी शीट। मैंने आज पिंक कलर मंगवाया है क्योंकि मुझे बहुत शौक था कि मैं पिंक कलर चारूँ लगाऊँ। तो गाइस पिंक कलर तो आ गया, लेकिन बहुत ज़्यादा प्लेन मेरा भाई लेकर आ गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यही है। और बाकी की चीज़ें जो है वह इसमें गूंद वगैरह, टेप, ये सारी चीज़ें हैं। और अपनी शीटें कहाँ लगाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। ये गूंद गाइस, और ये टेप पे गाइस, ये भी गूंदे, तो चले लगाते हैं गाइस। तो हमें इसकी शीट चेंज करनी है, तो हमें ग्रुप सब निकालने होंगे। तो मैं निकालती हूँ, ये सब निकालती हूँ। इसमें डालती हूँ, ये सब डालती हूँ उनसे। जीते कुछ इसका तक हो गई है डन। बहुत ज़्यादा थके हैं और अभी मुझे इसमें भी कूंड लगाना है। मैंने इसका पूरा का माप कर लिया है और ये कूंड है, तो मैं इसमें लगाऊंगी अभी कूंड। तो देखते हैं क्या गाइस। अभी मैं इसमें गूंद लगाऊंगी और ये चुप हो गया। अभी मैं इसमें गूंद लगा रही हूँ। Oh my god, इस गन को ना इग्नोर करें। गाइस अभी मैं इसको लगाने वाली हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं कैसे लगा। Oh my god, लग गया गाइस। तो मेरा ये लग गया, ये मैंने आपको दिखाया भी था कि मैं कैसे लगाती हूँ। अभी दूसरा काटेंगे, उसको पूरा का पूरा मापेंगे, फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या होता है गाइस। तो जितनी भी मेरे साथ मेरे पास शीट थी वो मैंने लगा दी है पेन पर आ गए, और ये देख सकते हैं ये फुल ऑन फुल लग गई। लेकिन कुछ शीटें जो है ना वो कम पर गई है, देख सकते यहाँ तक भी नहीं लगाई, यहाँ पर भी नहीं लगाई। तो अभी मुझे लगानी है, कम पर गई है। तो भाई आएगा, वो लेकर आएगा, क्योंकि ये शीट्स वगैरह ना वो ही लेकर आया था, तो उसको ही पता है, वो स्कूल गया हुआ है। जब आएगा तो लेकर आएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी और बाकी की शीटें भी लगाऊंगी और इसको पूरा का पूरा सजाऊंगी। ये देखो प्लान है ना बहुत ज़्यादा,
ना ही सजा हुआ है, ना मैं सजाऊंगी इसको इतना प्यारा सा। पहले ये चीज़ कंप्लीट करेंगे तब हम सजाएंगे। तो भाई आए का देखते हैं कब तक जाता है, फिर हम देखते हैं। गाइस तो अपने गुरु जो है ना वो इसमें रखती है, ये पिक्चर है कि यही हम रखेंगे, लोग देख सकते हैं अभी यही भी यहीं पर रहेंगे जब तक मैं ये शीट्स ना लगा लूँ, कंप्लीट ना कर लूँ। गाइस तो हमने जो वो शीट चाहिए तो अभी बाकी रहती है, रहती है भाई लेने गया है। और तब तक हमारी ननिहाल के घर से मिठाई आई है दिवाली की, कल दिवाली है ना, ये देखो मज़े मज़े की मिठाइयाँ, माय मोस्ट फेवरेट टाइप। मेरी ना ये वाली फेवरेट नहीं है, ये लड़की के ये वाले घरे वाले फेवरेट है। तो मिठाइयाँ आ चुकी है, मतलब दिवाली की स्टार्ट में हो चुकी है। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली इन एडवांस गाइस, कि कल दिवाली है, मन से करेंगे। गाइस ये हमारी शीटरी वगैरह लग चुकी है और हमने गुरु वगैरह रख दी है, अभी थोड़ा डेकोरेशन हो बाकी है और लाइट चलाएंगे फिर आपको शॉट्स दिखाएंगे। गाइस अभी मैं इसको निकालने वाली हूँ मेहंदी, और मेहंदी की होगी ट्रांसलेशन। गाइस हमारे साथ हो चुका है मोए मोए, ये मेहंदी चल ही नहीं रही और हमारे पास दूसरी मेहंदी नहीं है, तो लगता है हम मेहंदी नहीं निकालेंगे इस साल, नहीं लगता है। मेहंदी निकालने के चक्कर में पूरे हाथ गंदे कर गए, लेकिन इसको निकलना ही नहीं है, मैं क्या करूँ, ये नहीं निकल रही, हमारे साथ धोखा हो गया। गाइस तो फाइनली मेरी मेहंदी निकल गई थी और ये इसकी मेहंदी रेडी हो चुकी है, फुल ऑन फुल कंप्लीट मैंने कर दी है। तो देखते हैं कि मैं अपनी मेहंदी निकालूँ या नहीं, मैं सोच रही हूँ यार पूरे के पूरे गंदे हो चुके हैं मेहंदी निकालने के चक्कर में। गाइस तो सुबह हो चुकी है, मैंने कल जो है ना वो व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने खुद की मेहंदी भी नहीं निकाली, सिर्फ अपनी बहन की निकाली थी। और आज सुबह है तो आज है दिवाली, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। गाइस तो आज जो है ना हम लोग दिवाली में पहले सुबह तो सुबह को सफाई करते हैं, तो ये मुझे काम मिल गया है और मैं सफाई करने लगी हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस तो मुझे फिर से शोकेश मिल चुका है साफ करने के लिए, तो मैं इसको साफ कर रही हूँ और आपसे साफ करके मिलती हूँ। गाइस तो मैंने ये साफ़ कर लिया है, ये देख सकते हैं आप लोग व्हाइट बच्चे की ब्यूटीफुल सी पिक्चर है इसके अंदर, और ये मैंने साफ भी खुद किया था और सेट भी खुद किया है, आप भी देख सकते हैं। और ये है मेरे नाना, ये देख सकते हैं मेरे नाना कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये है मेरी दादी, गाइस मेरी दादी है, और ये गुरु बाबा। गाइस हमारे घर की कुछ इस तरह से हालत हो चुकी है, जो कि अभी तक ये सफ़ा नहीं हुआ, जब सफ़ा होगा क्लीन होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और गाइस ये तो देखो, ये ओल्ड रंगोली है जो मैंने उस दिवाली पे बनाई थी, अभी तक बनी हुई है, एक साल हो गया है। तो आज भी मैं बनाऊंगी रंगोली और आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे रंगोली बनाती हूँ। ये हमारा घर साफ़ हो चुका है और ये मैंने अपनी मेहंदी निकाली है, ज़्यादा देख सकते हैं। कल मुझे टाइम ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, लेकिन ये प्यारा मुझे है, और देख सकते हैं कितना प्यारा है मेरा आँख। और ये मैंने यहाँ पर ये निकाली, एक ही एंड निकाला है जो कि मेरे बस की सिर्फ एक ही है, क्योंकि मुझे कोई निकालने वाला नहीं है, ये भी मैंने खुद निकाला है, दूसरा मैं नहीं निकाल सकती। और देख सकते हैं कितना प्यारा है। तो अभी फाइनली मैं रंगोली बनाने लगी, और ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। मैंने जो है गाइस वो रंगोली बनाना स्टार्ट करती थी, और ये जो है ना मटका टाइप है वो भी बनाना था मुझे, क्योंकि मुझे बन नहीं रहा था। मैंने मतलब कितनी दफ़ा गाइस इसको मिटा मिटा कर बनाया था, और ये कुछ इस तरह से बना था, और इसको मैं डबल कर रही हूँ क्योंकि ये छोटा बन गया था, और इसको मैं देखो कैसे डबल किया। और ये कलर भी मुझे अच्छा नहीं लगा था, और ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने फिर ना कवर भी कर लिया था, वो भी आप लोग देख सकते हैं।
हैं बाद में मतलब देखेंगे। और ये देख सकते हैं मैंने येलो येलो कलर किया था इसमें पूरा का, कि मैं येलो इसके साथ मैच हो रहा था तो ये मैंने पूरा का पूरा येलो कर दिया था। तो धीरे धीरे बनानी होती है रंगोली, ऐसी थोड़ी है गाइस कि ऐसे ही बना दो बस। आर्ट है आर्ट गाइस, ये भी देख सकते हैं आप लोग, मैं इसको पेंट कर रही हूँ, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी रंगोली आप दिस रंगोली इस गाइस कंप्लीट एंड आई पेंटेड दिस रंगोली। गाइस तो फाइनल फाइनल मेरी रंगोली बन चुकी थी, आप लोग देख सकते हैं। गाइस तो मैंने रंगोली वंगोली बना ली है और मेरा हाल कुछ इस तरह से हुआ है। और मैं बर्तन तो आने इसके छोटे छोटे आई हूँ, देख सकते हैं, इसको साफ करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और आपने शॉर्ट तो देखे होंगे रंगोली के कितने प्यारे। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी रंगोली कैसी लगी। गाइस तो मैंने ये साफ कर दिया, अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ। साफ करके रखती हूँ फिर आपसे मिल। गाइस तो मैंने खाना वाना खा लिया था, अभी होंगे हम लोग रेडी क्योंकि हमने बनानी है वीडियोस, वो बनाएंगे तब रेडी होंगे। गाइस तो अभी हम लोग रेडी होंगे और ये देखो हमारा मेकअप का बॉक्स है फुल ऑन फुल, इसमें ज्वेलरी एंड मेकअप दोनों साथ साथ है। और ये मैं चूड़ियाँ न्यू लेकर आई थी मेरी बहन की, और ये मेरी ये कपड़े के साथ साथ नेक्स्ट पिंक कलर है ना हमारे से, इसे देखो कितना प्यारा है। अगर आपको ये फुल देखना है तो आपको कमेंट में करना, मैं जरूर दिखाऊंगी, इसका अलग ब्लॉग बनाऊंगी। तो गाइस मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ और मेरा शूट फूट जो है ना वो हो गया है। और ये मेरी कुछ इस तरह से लुक है, मैंने पिंक सूट पहना है एंड पिंक सलवार, ये मेरी मेहंदी है एंड पिंक कलर की चूड़ियाँ भी पहनी है गाइस। और मेरा दुपट्टा भी है ब्लैक कलर का है, वो भी पहना है, वो मैंने ऐसे उतार दिया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी गाइस में, बहुत ज़्यादा थक चुकी गाइस। तो मैं इस प्यारियों में रखूँगी, एक में लड्डू, एक में चावल, एक में शुगर, एक में दाल, सब रखूँगी तो आपको दिखाऊंगी। गाइस तो हमने फाइनली फाइनली ये रख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। गाइस तो फाइनली फाइनली हम लोग जो कर रहे हैं, जो मुझे वटियों में डालना था वो भी डाल दिया है, ये आप लोग देख सकते हैं। गाइस तो मेरा दुपट्टा ये है जो बहुत ज़्यादा भरा है, मुझसे पहना भी नहीं जा रहा है इसलिए मैंने रख लिया है। ये मैंने नेट पॉलिश अभी अभी लगाई है, मैचिंग नहीं थी तो यही लगा ली, ये अभी अभी निकाला है। नेल पॉलिश जो है ना वो मेरे सेंटर के साथ मैच हो गई। गाइस तो हमने दिवाली के दिए भी जला दिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दिवाली के लिए, क्योंकि दिए जलाना इस पर मिनट, ये देख सकते हैं हम लोगों ने जला लिए और मतलब हर रूम में रखे हैं। गाइस तो अभी होने लगी है लक्ष्मी माता जी की आरती, जो मेन होती है दिवाली में, और हम पूरी फैमिली मिलकर वो आरती करते हैं तो आपको भी दिखाते हैं और हम भी करते हैं वो आरती। और गाइस मेरे पास जो है ना वो मेन से मेन काम आ चुका है फटाके,
जो हम ये पॉप चलाते हैं, ये मोटी पतली ये और ये है मेन काम ये पॉप और ये जो तो पटाखे गाइस और ये गाइस बहुत सारा फटाखे लगे, मुझे बहुत सारा डर लगता है तो मैं नहीं चलाती, मैं ये डर चलाती हूँ ये वाला मैं नहीं चलाती। और ये भी अच्छी है और ये हम तब चलाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। गाइस तो मेरे पास आ चुके हैं दिवाली के गाने और ये होते हैं दिवाली के गाने जो अभी हम चलाएंगे और अपने दादा का नाम लेंगे। तो अभी मैं नाडा सुमन जी रे नाडा सुमन जी रे नाडे सुमन जी रे नाडे सुमन जी नाडे सुमन जी रे नाडा सुमन जी रे। तो गाइस अभी जो है ना अभी चल चुका है और मैं यहाँ पर मैंने इसको अभी रस्म है ना गाने वाली वो अभी कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम लोग जाएंगे गेस्ट के घर, मतलब आंटी वालों के घर, रिलेटिव के घर, सबके घर जाएंगे, आपको दिखाएंगे, पहले खाना खाएंगे। गाइस अभी हम लोग जाएंगे रिलेटिव के घर। गाइस तो फाइनली मैं अपने कजिन्स के घर पहुंच चुकी हूँ और उनकी आपको डेकोरेशन दिखा। गाइस तो मैं आपको अपनी कजिन की लुक दिखाती हूँ। हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। गाइस मैं आपको आपकी दूसरी कजन की लुक दिखाती हूँ। हैप्पी दिवाली, ये इसकी मेहंदी है। हम जा रहे हैं घर, उन लोगों ने मजे मजे कर लिए थे और अभी हम जा रहे हैं। गाइस तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और अभी हम सोएंगे। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद है आप सबको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।